आरसीबी वर्सेस सीएसके के बाद अगर कोई मुकाबला फैंस के दिमाग को भन्नाने वाला, कोई आपके होश फाख्ता करवाने वाला है और कोई आईपीएल के रोमांच को 7 गुना बढ़ाने वाला है, तो गुरु वो मुकाबला होगा केकेआर और एसआरएच का। एब्सोल्यूट सिनेमा, एकदम बवाल पिक्चर यार। मतलब आप जितनी तारीफ करें उतना कम, पिक्चर ऐसी जो आग लगाते, बिल्कुल वाला मैच होगा। एक तरफ गौतम गंभीर की टीम, गौरबो लौड़बो जीतबो, जिसने बीते 2 साल में 7th रैंक पर रहने के बाद इस साल डोमिनेट किया है और ठीक ठाक डोमिनेंस के साथ वो आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचे। 2 मैच उनके रद्द हुए हैं, उसके बावजूद उनमें और बाकी टीमों में फासला है और इस वजह से वो नंबर 1 बने बैठे हैं। और दूसरी तरफ पैट कमिंस की वो टीम है जो बीते साल 10 नंबर पर थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि कमिंस की एसआरएच जिस दिन मारती है उस दिन बड़े बड़ों की हालत टाइट हो जाती है। सवाल ये गुरु की केकेआर और एसआरएच की मार में आप किसके साथ हैं? क्या गंभीर, जिन्होंने टॉप 2 में पहली बार रैंक 1 हासिल की, आज तक कभी भी गौतम गंभीर की टीम जो है वो रैंक 1 के तौर पर नहीं गई थी, 2012 में गई थी, तब वहां पर उन्होंने क्वालिफाई किया था क्वालिफायर 1 में जाकर और जीत गए थे। 2014 में भी वो क्वालिफायर में गए थे और जीत गए थे। लेकिन इस बार कहानी बड़ी गजब है। इस बार कहानी ये है कि ये वो 2 टीमें हैं जिन दोनों में से अगर कोई भी टीम आईपीएल जीतती है तो हमें और आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों टीमें डिजर्विंग है। और बड़ी बात यह है कि दोनों टीम में से जो हारेगी भी उसे भी एक मौका मिलेगा दोबारा फाइनल खेलने का, दोबारा खेलकर जीतने का। लेकिन केकेआर एक ज्यादा बैलेंस टीम हमको नजर आती है, केकेआर नजर आती, लेकिन फिर फिल सॉल्ट का जाना एक सवाल या निशान भी पैदा करता है। अब सवाल यह है कि केकेआर और एसआरएच में आप किसकी तरफ हैं? केकेआर 10 साल पहले क्वालिफायर 1 में गई थी और उसके बाद ये टीम अब आई है, जिस तरह से क्वालिफाई किया है वो जलवा जलाल करने वाला है। गौतम गंभीर की टीम जो है वो डोमिनेट करती गई है और पूरे प्लेऑफ के पहले डोमिनेट किया है। 2022 में 7 पर थी, 2023 में 7 पर थी, लेकिन सेम टीम को लेकर जो सुनील नरेन की फायरिंग पावर है, जो बाकी प्लेयर आंद्रे रसल या फिर हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन की स्पिन गेंदबाजी, फिर उसके बाद रिंकू सिंह, वैभव अरोड़ा, मतलब इस टीम में आप नाम लेते जाइए, आप ऊपर से शुरू कीजिए। फिल सॉल्ट तो चले गए, आपके पास जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो सुनील नरेन हो, श्रेयस अय्यर हो, वेंकटेश अय्यर हो, रमनदीप हो, सब के सब फुल टूस फ्लावर है, फायर है, फ्लावर समझिएगा मत गलती से। और एसआरएच की अगर आप बात करेंगे तो एसआरएच में तो हम सब जानते हैं कि 3 खिलाड़ी में से अगर कोई एक भी चल गया तो वो धागा खोल के रह गया। अगर गलती से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का बल्ला उस दिन चल गया तो फिर चाहे केकेआर हो, चाहे आरआर हो या आरसीबी, वो धुआं धुआं करते। अब पॉइंट ये है कि आप किधर हैं? केकेआर ने 2021 के बाद पहली बार क्वालिफाई किया है प्लेऑफ में। गौतम गंभीर को हारना नहीं आता और पैट कमिंस वो खिलाड़ी हैं जो कह देते हैं वो करके दिखा देते हैं। गंभीर को टीम को आगे बढ़ाना आता है। 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स को उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचाया था, 2023 में पहुंचाया था और इस बार तो वो नंबर 1 बन के गए हैं। तो गंभीर का जलवा तो अलग है। श्रेयस अय्यर जो है वो भी खुश होंगे कि यार हमारी टीम पहली टीम है जो क्वालिफाई कर गई है, टेबल टॉपर है, सबसे ज्यादा जीत कर हम आए हैं और 2 मैच आखिरी के रद्द भी हुए तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम अलग लेवल पे गए। उधर एसआरएच की टीम में कमिंस जो है वो खुश होंगे, कह रहे होंगे यार हमारे पास क्या दिक्कत है, हमारे पास नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, खुद कमिंस इतने कमाल हैं, नए लड़कों में नीतीश रेड्डी है, एक स्लॉट 3 नंबर पे कमजोर था, वहां पर राहुल त्रिपाठी ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी, अभिषेक और ट्रेविस का तो कोई तोड़ ही नहीं है, अभिषेक हाईएस्ट छक्का मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, क्लासन का कहर जो है वो बीच में बना हुआ है, तो टीम तो तगड़ी है। हालांकि बैलेंस टीम मुझे इसलिए लगता है केकेआर, क्योंकि केकेआर में अगर आप देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती ने 18 विकेट, हर्षित ने 16 विकेट, नारायण ने 15 विकेट, रसल ने 15 विकेट, स्टार्क ने 12 विकेट, अरोड़ा ने 9 विकेट, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुझे लगती कि ये बैलेंस टीम है। लेकिन फिर कहानी वही, कमिंस के सारिश को भी आप कम मत ताकि, आप सुनील नरेन वहां तगड़े प्लेयर है लेकिन अगर नरेन को शुरू में ही आउट कर दिया गया तो फिर केकेआर को झटका लग सकता है, और ट्रेविस हेड और अभिषेक अगर चल गए तो फिर केकेआर को दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी ये वो टीम है जो 10 नंबर पर थी, 2023 में 10 नंबर पर थी, 2024 में फिलहाल 8 जीत 17 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर, तो ये भी सुप्रीमेसी। और कमिंस जो है वैसे भी यार जो करते हैं वो बवाल काट देते हैं। क्वालिफायर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब केकेआर एसआरएच, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू फाइट
बहुत जबरदस्त लड़ाई देखने वाली है। अब दोनों में कौन उस दिन अपने आप को संभाल कर रखेगा ये देखने वाली है, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी SRH ने पंजाब के सामने की, अभिषेक शर्मा ने 6 छक्के मारे, 45 छक्का उनका हो गया, इस तरह से वो करेंगे तो बवाल है। मतलब इस मैच में 21 बॉल पर अर्धशतक लगाया था और 21 बॉल का अर्धशतक उनका सबसे स्लो अर्धशतक था, क्योंकि 16 पे 18 पे 19 पे वो मार चुके हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि स्टैंडर्ड बड़ा हाई कर दिया है SRH वालों ने। SRH का स्टैंडर्ड बहुत अलग है और इस स्टैंडर्ड की वजह से वो अलग टीम है। लेकिन KKR भी किसी से कम नहीं है। ट्रेविस हेड 12 मैच 533 रन, 48 का एवरेज, 201 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक 4 अर्धशतक, 31 छक्के, अनमैचेबल ओपनिंग पावर है। हालांकि KKR की भी ओपनिंग पावर इतनी बराबर थी, लेकिन फिल स्टॉल जा चुके हैं, शायद रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका मिल जाए, लेट्स जस्ट सी। बट दोनों टीम यार एक नंबर टीम है। मैच एब्सोल्यूट सिनेमा हो रहा। आप किधर हैं, KKR या SRH?